कुछ नहीं करूँ, क्योंकि उन्हें काम में मन ही नहीं लगता है भाई कुछ। अभी भी मैं फोन में लगा हुआ हूँ, मैं फोन चला रहा हूँ। जब तक फोन चला रहा हूँ तो ठीक है, फोन चला रहा हूँ तो कुछ नहीं, लेकिन फोन जैसे धर दिया ना, फोन जैसे धर दिया तो अकेला बैठा हूँ तो ऐसा लगेगा घर में कोई है ही नहीं, ऐसे सब फील होता है। फिर बस वही बातें हैं, ऊपर वाले की मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकते। इतनी सब लोग यही कहते हैं कि भाई इतनी ही जिंदगी थी, ये था वो था, दुनिया भर की बातें। बट यू नो ऐसा लगा ही नहीं कभी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि बहुत सी बातें हम लोग करे, मैं कर ही नहीं पाया। नहीं तो होता है ना कि पता होता, अगर पता होता ना कि हाँ अब तक है तो हम लोग बहुत बातें कर लेते, हम लोग सेवा कर लेते, हम लोग मैं सेवा भी नहीं कर पाया। सब ऐसे रहता है ना बुढ़ापे में कर देते हैं सेवा, लेकिन किसी का जिंदगी का कुछ पता नहीं है भाई। लाइफ इज टू शॉर्ट, किसी का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, किसी के साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो बस इन्हीं सब चीजों में थे इसीलिए कुछ हो नहीं रहा था। अब जो हुआ सो हुआ, अब सोचते हैं कि भाई ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं कराते, सोचते हैं उस हॉस्पिटल में नहीं कराते, कहीं और करा लेते, वहाँ करा लेते, ये करा लेते, ऑपरेशन ही नहीं कराते, दर्द होने देते। अब दर्द उनको ऐसा होता था कि उनको रुला देता था, भाई रोता हुआ कौन देख लेगा, है ना, रोता हुआ कौन देख लेगा। तो इसलिए ऑपरेशन भी कराना जरूरी था। हाँ फिर सुनो तो सही, एक मेन चीज तो रह गई। हाँ फिर YVF की रिपोर्ट आई उनकी, 3 तारीख को मम्मी चली गई थी, चार चार तारीख को रिपोर्ट आ गई थी उनकी YVF की। थोड़ा टाइम लग गया था, एक हफ्ता लगता है पूरा। 4 तारीख को रिपोर्ट आई, उसमें कैंसर भी नहीं आया, सोचो उसमें कैंसर भी नहीं आया रिपोर्ट में। 2 तारीख को जब मिलने गया था, डॉक्टर ने मेरे को ये बोला था, देखो हम लोग दवाइयाँ दे रहे हैं, एक बुजुर्ग डॉक्टर थे जिन्होंने ऑपरेशन करा था, मतलब वो ऑपरेशन के 3 डॉक्टर ने करा था ऑपरेशन, तो उसमें से एक डॉक्टर था, उसने बोला था हम दवाइयाँ दे सकते हैं, कुछ शरीर भी अपनी तरफ से कोशिश, दोनों हिम्मत देती थी कि सब ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, सब समय की बात होती है ये वो, अब तो कोई आ ही नहीं समझाने वाला। चलो